खेल खेल में कन्हैया ने जोर से जब जम करके गेंद मारा तो वह काली धब के विषैले जल में गिर गया। अब तुम्हारा श्रीधामा रोने लगा, पाम रगड़ रगड़ के धरती पर। कन्हैया तने जोर से जानबूझ के गेंदा को मारा, क्योंकि अब श्रीधामा के खेलने का चांस था ना, समय था ना, इसलिए तूने मारा। अब तू वही गेंदा ला के देगा तब श्रीधामा खेलेगा। अब भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, हम वही गेंदा लेके आता हूँ। और भगवान कदम्ब की डाल पर कूद के चढ़ गए, और वह कदम्ब की डाल जो जमुना जी के जल के भीतर जा रहा था, उसी जमुना जी के जल के भीतर के तरफ प्रभु बढ़ने लगे। तब तो गोप ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया मत कूद भैया, हमें गेंद नहीं चाहिए, भैया हमें गेंद नहीं चाहिए। अब सब मना करने लगे, लेकिन कन्हैया माने नहीं और काली धाम में प्रभु कूद गए। अजय से काली धाम में प्रभु कूदे, गोप ग्वाल बाल रोने लगे, हाय कन्हैया तूने ये क्या कर दिया। दौड़े दौड़े गए माँ यशोदा को, बार बार अपशगुन होते हैं जैसे कन्हैया काली धाम में कूदे। उस जल में भगवान कूदे हैं, जिस जल में महाराज मीलों कोस ऊपर दूरी पर रहने वाले जीव भी उस विषैले जल से मर जाते हैं, काली नाग के जल के विषैले जल के प्रभाव से। उसमें प्रभु कूद गए। अब तो गोप बाल बाल दौड़े दौड़े जाते हैं, मैया मैया बाबा नंद कन्हैया काली धाम में कूद गयो, कन्हैया काली धाम में कूद गयो। माँ यशोदा बाबा नंद विह्वल हो गए, माँ तो मूर्छित हो गिर जाती। आज तो जैसे ही वनस्पतियों ने सुना, गायों ने सुना, मनुष्यों की बात कोई करे क्या, उस ब्रज मंडल में जितने भी जीवधारी थे सब के सब विह्वल हो गए, वृक्षों के पत्ते झर झर करके गिरने लगे। हे माधव यदि आप ही नहीं हो तो हम हरे रह के क्या करेंगे। गैया रो रही हैं, बछड़े रो रहे हैं, गोप ग्वाल बाल रो रहे हैं, सब विह्वल होकर के भगवान के दर्शन की लालसा से काली धाम के घाट पर पहुंच रहे हैं। अबाल वृद्ध बनिताना सर्वेंग प्रतिविद्धयः। महाराज आज परीक्षित दर्शन करो, अबाल वृद्ध वनिता नाम सर्वेंग प्रतिविद्धयः। रुरुदुहु सुस्वरं राजन् श्रीकृष्ण दर्शन लालसा। एकदम रोते हुए बिलखते हुए पूरा गोकुला ब्रजमंडल उस काली दह पे पहुंच गया। माँ यशोदा बाबा आनंद कहते हैं कन्हैया ये तुमको ऐसा ही करना था, तो इस बुढ़ापे में तूने हमें दर्श ही क्यों दिया, जन्म ही क्यों दिया। अगर जन्म दे के आज मरोगे तो यह बाबा आनंद और यशोदा दोनों जीवित नहीं रहेंगे। बाबा नंद मैया यशोदा विह्वल हो रहे हैं, अधीर हो रहे हैं, और जमुना जी के जल में घुसना चाहते हैं। बलराम जी ने समझा अगर ये जमुना जी के जल के भीतर घुस गए तो इनको बचाने के लिए तो कोई नहीं मिलेगा, इसलिए नागफास के बंधन में महाराज डाल करके बलराम जी ने सबको मूर्छित कर दिया। अब आइए जल के भीतर चलते हैं। सो रहा है काली नाग पत्नियां जो हैं जग रही हैं, भगवान के रूप माधुरी को देखा, सौंदर्य माधुरी को देखा तो उनके देखते ही वह मोहित हो गई, आहा कितना सुंदर बालक है। फिर सोचा ये कहाँ से आया, अभी तक जीवित कैसे है इस विषैले जल में। बोल बड़ी कौन देश से आयो रे बालक, कौन दिशा से आयो रे बालक, कौन तुम्हारो नाम, कौन माता पिता है तेरो, कहाँ तुम्हारो धाम। नागपत्नियों ने बड़े प्रेम से पूछा, भगवान करे पूर्व दिशा से आयो रे नागिन, कृष्ण हमारो नाम, बाबानंद मात यशोदा गोप
कुल मेरो धाम। तब तो आज नागपतियों ने कहा कि ऐसे जगह पे व्यक्ति क्यों आता है, या तो वह संसार के दुख से दुखी हो गया हो, संसार के लोगों के संबंध से पीड़ित हो गया हो, या किसी स्त्री के बहकावे में आकर उसको उसका प्रेम न मिला हो तब जहर खाने चला जाए, या गलत कर्म उठा दे किसी स्त्री के भरमाने में आ जाए तब वह इधर पहुंचेगा। बोल बड़ी, कह बालक तू डगर भूलियो किनारी की, मन में रिस उठ्यो रे बालक की नारी भर माया। तब तो भगवान हंसते हुए उत्तर दे रहे हैं, ना मन में रिस उठ्यो रे नागिन ना नारी भर माया, ना मैं डगर भूल्यो रे नागिन ना नारी ऋषियाँ। तब पुनः बोलती हैं, अगर ये भी बात नहीं है तो आदमी ऐसे खतरनाक जगहों पर दो ही स्थिति में जाता है, या तो उसको मरना हो या धन पाना हो, कि संसार को जीना है तो घुट घुट के नहीं जीऊंगा, मर जाऊंगा भले खतरों से खेल लूं, अगर खतरा से खेल के धन कमा लूंगा तो परिवार को सुखमय जीवन दूंगा, तो दो ही स्थिति में व्यक्ति खतरा का मोल लेता है, हैं? तो भगवान से कहती हैं, ले बालक गले माल हार, ले सवा लाख की बोरियां, इतना हार ले जा रे तू बालक ये सवा लाख की बोरियां। अरे समुद्र नदी झील पहाड़े हमारे रत्नों के खान हैं, इस धन को ले जाओ और ले जाने से तुम्हारा जीवन कभी दुखी नहीं होगा, खूब ऐसा आराम करना पीढ़ी दर पीढ़ी। भगवान ने कहा, अच्छा तू मुझे धन दे रही है, देखो मैं जो धन लेने आया हूँ क्या तुम दे सकती हो। नाग पत्नियों से बोल पड़े, ना चाहिए गले मालहार, ना सवा लाख की बोरियां। बोल बड़े, क्या बोला, देना चाहती हो ना तो वह धन दे दो, मुझे तेरा नाग चाहिए रे नागिन, बनाऊं पूंछ की डोरियां। मैं तो तेरे नाग को लेने आया हूं, दे दो मैं उसी के पूंछ को नाथ कर और अपने वहां डोरी के भांति बांध दूंगा। बोल भक्त भगवान की। तब तो नाग पत्नियां इनकी बात को सुन के थर थर कांपने लगी, आहा ये कोई साधारण नहीं है। बात करके प्रभु पहुंच गए, काली नाग के पास पहुंचा दो भैया कृष्ण को। ओए काली नाग के पास भगवान पहुंचे हैं, जैसे ही काली नाग के पास पहुंचे भगवान श्याम सुंदर कृष्ण अपने दाहिने हाथ दाहिने पैर के अंगूठे से जैसे ही वह स्पर्श किया है काली नाग को, काली नाग को स्पर्श करते ही मानो काली नाग को हजारों जैसे ही अपने पैर से भगवान ने काली नाग को अपने पैरों से स्पर्श किया, काली नाग तिलमिला उठा और जग गया। जैसे ही काली नाग जगा अपने 100 फनों से विष छोड़ने लगा, कौन है असमय मुझे जगाया है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब भगवान को बड़ी मजा आ रही है, पैरों को और दबाते जा रहे हैं इसके ऊपर। अब काली नाग ने प्रभु को लपेट लिया, लपेटा तो प्रभु ने लपेटने दिया, कहा देख ये मर्यादा पुरुषोत्तम जीवन नहीं, ये नारायण की लीला करता कृष्ण हूँ। और प्रभु ने अपना शरीर फैलाया बढ़ाया, और जैसे ही फैलाया बढ़ाया तो काली नाग के पूरे शरीर चरमर चरमर करके टूट पड़े। अब जब काली नाग के पूरे शरीर चरमर चरमर करके टूट पड़े तो काली नाग वहीं फैल गया।
और उसके फन पर भगवान चढ़ गए। जैसे प्रभु उसके फन पे चढ़े हैं, काली नाग के फन पर जैसे ही प्रभु चढ़े, हाँ काली नाग के फन पे जैसे ही चढ़ गए भगवान, अब काली नाग प्रभु को अपने फनों से काटने चल रहा है। और जिन जिन फनों से प्रभु को काटने चलता है उन्हीं उन्हीं फनों पर प्रभु प्रहार करते जाते हैं। अब भगवान ने आज दिव्य नृत्य आरंभ किया है, जैसे महाराज सती वियोग पर भगवान भूत भवन शंकर जी तांडव किए थे, वैसे ही आज कृष्ण काली नाग के ऊपर तांडव कर रहे हैं। वह तांडव किए मेरी पत्नी मर गई, यहाँ तांडव भगवान ने किया क्यों? क्योंकि यह विषैला जीव जिसको मैंने रमणक दीप दिया वह मेरे भक्तों को यहाँ मार रहा था, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसका अभिमान चकनाचूर करूंगा, इसलिए भगवान तांडव कर रहे हैं। आइए भगवान के दिव्य तांडव में हम भी प्रवेश लेंगे। वह दिव्य तांडव है जिस दिव्य तांडव को जब प्रभु ने आरंभ किया तो ब्रह्मादिक देवता भी देखने आ रहे हैं। आज भगवान तांडव कर रहे हैं, इस काली नाग के फन पर फिरक रहे हैं। अरे तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 पम 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 पग पट पट पम 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 फनन पर, पम 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 पग पट पट पम 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 फनन पर, बिम 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 बिनती करत नाग मधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। महाराज जैसे ही भगवान पहुंचे आहा, जिन जिन फनों को काली नाग उठाता है उन्हीं उन्हीं फनों पर प्रभु तीव्र जोर 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 से बड़े ही प्रहार रूप से पांव रखते हैं। फणी फलार पितम ते पदाम्बुजम क्रिंग कुचे सुनह क्रिंद हृच्छयम, भगवान उन्हीं उन्हों फनों पर पांव रखे जाते हैं। जब प्रभु फनों पर रख के नाचते हैं आ, पम 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 पग पट पट पम 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 फनन पर, पम 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 पग पट पम पम पम, महाराज जब पांव फटकते हैं भगवान जैसे मानो देवाधिदेव महादेव साक्षात हलाहल विस्पी करके आज नृत्य कर रहे हैं। जब प्रभु आगे की तरफ झुकते हैं तो उनके माथे पे लगा हुआ मोर पंख मानो भगवान की विशाल शंकर की जटाएं, यस्यात्रिक्राटत्राटत्रुत्रुत्रुत्रममलं तंतदंतं तटंतं दंसं दंसं दुदंसं दुहितुहिचकिते भूपके भुवनालं तैलं तैलं तुतैलं कुकुकुकुकुकुकं कखं गंगं गं जायान्ते विप्रगान्ते वसत सकलं पातु नो चंद्रचूर्णा। महाराज पांव को पटकते जाते हैं, आहा क्या दिव्य है, ऐसा मंच कभी प्रभु को मिला नहीं, इतना सुंदर स्पंज है उस नाग के। महाराज फलों में पांव रखते तो एक पांव रखे तो एक हाथ एक गज नीचे जाए उसका फन, भगवान फिर कूद के दूसरे फन पे चढ़ते हैं। इस दिव्य छटा को देखने के लिए ब्रह्मादिक देवता गा रहे हैं, विद्याधर दंदन दं देव सकल विविध विद्याधर दंदन दं देव सकल गंगं गं मुनि गंधर्व नाचत दैतारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी।
दिक सखिक सनकादिक नन्नन नारद मुनि। आज सनकादिक ऋषियों से नहीं रहा गया, नारद आदि सब लोग वंदना करते हुए भगवान का दिव्य गुणगान कर रहे हैं। सतिक सतिक सनकादिक नन्नन नारद मुनि, मम 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 महादेव, बम 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 बलिहारी, पांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। प्रभु का ये दिव्य तांडव देखकर इनके पास आंखें नहीं है, श्री सूरदास जी वह नेत्र वाले हो गए हो। आप लोग कितने अद्भुत हो, आप लोगों को तो साक्षात काली मर्दन सरकार दर्शन दे रहे हैं। हाँ, सूरदास ने लिखा, सूरदास प्रभु की वाणी, सूरदास प्रभु की वाणी, किन किन की न हो न जान, सूरदास प्रभु की वाणी, किन किन की न हो न जान, चन 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 चरण पर निर्भय भय हारी, पांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम पम पद पट पट पम फनन पर, पम 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 पद पट पट पम 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 फनन पर, बिम 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 बिनती कर नाग बधुआरी, पांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। बोल काली मर्दन सरकार की। अब काली नाग अपने समस्त फनों से खून फेंकने लगा, शांत हो गया। प्रभु ने उसके सिर पे पैर रखा, धन्य हो गया, समझ गया, ओहो मैं तो साक्षात नारायण से ही लड़ गया। हाथ जोड़ लिया, नाथ भवान ही कारणम यत्र भगवान जगदीश्वर अनुग्रहम निग्रहम मन्यसे तद विधेहिना। हे प्रभु, यदि ऐसे ही लहूलुहान करना था, मारना था, तो हम विषैले जीवों को क्यों जन्म दिया? भगवान ने कहा तो हमने विषैले जीवों को जन्म दिया, तो क्या तुम इसीलिए कि तुम जा करके इसीलिए जन्म दिया कि तुम हमारे भक्तों को दुख पहुंचाओगे, कष्ट दोगे, उनको पीड़ा दोगे? हमने तुम्हें रमणक दीप दिया, रमणक दीप तुम यदि नहीं गए तो क्यों काली दह में आए? सरकार, आपके वाहन वरुण गरुण से बड़ा भय है। कहा सरकार, अब भगवान ने कहा कि देख, तुझे अब गरुण से डरने की जरूरी नहीं, तेरे सिर पर मेरे पग चिन्ह है, अब वो कुछ नहीं पूछेंगे, तू आराम से चला जा। तो आज भगवान को काली नाग ने अपने फन पर विराजमान करके अपने नाग पत्नियों के साथ ऊपर उठा करके जल से बाहर लाया। भगवान ने अपने अधर पे बंसी बजाई और सब ब्रजवासी मूर्छित अचेत अवस्था से जो थे वह पुनः चैतन्य हो गए और वो सभी उठ के खड़े हो गए। अब दिव्य भगवान की यह काली मर्दन रूप को देख करके निछावरी उतारने लगे, आरती करने लगे। आइए हम सब की बिहारी तेरी। आइए भगवान श्री काली मर्दन प्रभु की आरती दिव्य करें। सब लोग भाव में निमग्न होकर के ताली सेवा के साथ निछावरी भी करें, आरती भी करें। श्री मां के बिहारी तेरी आरती गाऊं, मां के बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, काली मर्दन तेरी आरती गाऊं, काली मर्दन तेरी आरती गाऊं।
आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, 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 शिवा की बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा की बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पिसोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पिसोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, छवि मैं तो बलि बलि जाऊं, माँ की बिहारी तेरी आरती गाऊं, खाली अमर दय तेरी आरती गाऊं, खाली अमर दय तेरी आरती गाऊं। सरकार की जय हो, लावण बिहारी लाल की जय हो, बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आज की